कैसे जब कल आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में मोबाइल पर तो कब चोट आई थी बाहर मुझे यहाँ कोर्ट से बाहर निकलो देखिए ये बड़े टचिंग मोमेंट्स होते हैं जब ऐसी फैसिलिटी में हम आते हैं और ख़ास तौर पर मैं अपने आप को बताऊं कि मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरा भी एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो मुझे अप्रिशिएट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि कैसी एफ़र्ट हो रही है। ऐसी एफ़र्ट शायद आपको हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पर मिलेगी। जो टीम यहाँ पे काम कर रही है, जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इसके बारे में सोचा, इसको बनाया, और सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो ना, तो उससे आप डेडिकेशन और एक वॉलंटरी एक स्पिरिट नहीं पैदा कर सकते। वो स्पिरिट आती है जिस वक्त प्राइवेट इंडिविजुअल्स इकट्ठे मिलते हैं और जिनके दिल में दर्द होता है और जो माशरे के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग जब इकट्ठा हुए तो कश्मीर खुशकिस्मत है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर खुशकिस्मत है कि ऐसी टीम इकट्ठा हो गई कि जिन्होंने इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई है और इसकी फ्यूचर इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। यहाँ पे मैंने बच्चों से बात की, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं उनसे बात की और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हर एक इम्प्रूव कर रहा है। अगर किसी की बैकबोन स्पाइनल कार्ड इंजर्ड थी, वो भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट शो करवा रहा है और जो बच्चे यहाँ पर आए जो बोल नहीं सकते थे, वो आज बोल रहे हैं, चंद अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। बच्चे अभी जैसे इन्होंने मेरे को ये कुछ हैंडीक्राफ्ट के पीसेस दिए हैं, ये मैंने खुद देखा जो बच्चे बना रहे थे और मैं उनके ट्रेनर्स को, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डिफरेंट किस्म के थेरेपिस्ट हैं साथ, वो सबके सबको मैं अपनी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सलाम करना चाहूँगा। उनको उनकी जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए कम है। और मैं जिन बच्चों के साथ और जिन लोगों के साथ जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनके साथ, जिनके साथ यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है, उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं कि वो आगे चलकर इस माशरे के ऊपर, उनमें मैंने देखा है कि ये जज्बा है कि वो बोझ नहीं बनना चाहते, वो अपने पैरों पर लफ्ज़मानों में खुद खड़ा होना चाहते हैं, खुद कमाना चाहते हैं। और मैंने देखा एक बच्ची ने मुझे बताया कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है एंड शी हैज़ मैंने देखा उसमें कि कितनी डेडिकेशन है और वो दिन दूर नहीं कि वो बच्ची और उस जैसे बहुत सारी और बच्चियां और बच्चे वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फायज होंगे। देखिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये एक वॉलंटरी एफ़र्ट है, इसमें सरकार ने ज़मीन दी और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी कहीं पे कुछ हेल्प की होगी शायद, मैं नहीं उसके बारे में जानता, लेकिन हमारी तरफ से जब भी इनकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको पूरी तरह से उनको स्ट्रेंथन किया जाए और इस एफ़र्ट को रोका ना जाए, इस एफ़र्ट को और फैलाया जाए। ऐसे सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए और अभी हम शायद उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसी कोशिश जारी है, हाँ, तो वो सबके सबके 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर वैली के ये हों और उसके बाद जम्मू के भी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो।
बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता रहता है वहाँ पे, लोग अपने माजूर हो जाते हैं, और उनको फिर वापस लाना, एक माशरे का फ़ायदा मंद यूज़फुल मेंबर बनाना, वो एक इनकी बहुत बड़ी एक कोशिश है, और मुझे यकीन है कि बारी ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करेगा जैसे अब तक कामयाब कर रहा है।